ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करवा रही हूँ बेटा। मेरी आवाज आ रही है? यस मिस, आ रही है। यस मैम। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपको मोमेंट ऑफ फोर्स गिवन है। मोमेंट ऑफ फोर्स सॉल्व करते रहो साथ साथ। मोमेंट ऑफ फोर्स आपको गिवन है बेटा, कितना दिया है मोमेंट ऑफ फोर्स? 10 न्यूटन मैम, सॉरी 5 न्यूटन मीटर। ओके, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। फोर्स आपको दिया है 10 न्यूटन एंड आपको टॉर्क गिवन है मैं मोमेंट ऑफ, ठीक है, मैं निकालना क्या है इसमें, पॉइंट, ठीक है बेटा, टॉर्क आपको गिवन है 5 न्यूटन मीटर। यस मिस। डिस्टेंस फाइंड करनी है बेटा, कैसे निकालोगे? मैम डिस्टेंस इनटू फोर्स इक्वल्स टू टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क कितना दिया है आपको? 5 न्यूटन मीटर गिवन है। फोर्स 10 न्यूटन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए 10 न्यूटन कहाँ चला जाएगा? डिवीजन, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं इसको। तो ये आ जाती है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल कर दो, जीरो पर शिफ्ट कर दिया, 0.5 परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैम जिसको जो क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा नोट डाउन कर लेना कि ये क्वेश्चन नहीं आया है, फिर मैं लास्ट में उसे समझाऊंगा। मैम एक्सरसाइज 1 नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बेटा, फिजिक्स। ओके मैम, सेकंड है आपके पास क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। 10 सेंटीमीटर गिवन है बेटा आपको। 10 सेंटीमीटर क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास? 10 सेंटीमीटर है। एंड आपको गिवन है बेटा 5 न्यूटन। न्यूटन किसकी यूनिट होती है? मैम फोर्स। 5 न्यूटन हो गया फोर्स की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, न्यूटन एसआई यूनिट है और सेंटीमीटर आपकी कौन सी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। क्या करेंगे? 10 by 100 0.1 meter। 0.1 meter क्लियर क्यों नहीं आ रही है? 0.1 meter। ठीक है, निकालना क्या है बेटा क्वेश्चन, देखो मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क फाइंड आउट करना है। बार बार मोमेंट ऑफ फोर्स ना बोल के हम जैसे टॉर्क बोल देते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 5 न्यूटन इनटू डिस्टेंस कितनी है बेटा? 0.1 meter। मल्टीप्लाई कर दो मैम, 0.5 न्यूटन मीटर। ओके, क्योंकि टॉर्क निकालना है, टॉर्क यूनिट न्यूटन मीटर होती है। अच्छा ये बताओ, सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करना सबको आता है ना? 0 से 0 कैंसिल करना है बेटा, जितने 0 बच रहे हैं वो ऊपर शिफ्ट करना है। जैसे ही 0 खत्म हो जाते हैं वैसे हम पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, यस मैम। तो इतना तो आता होगा। थर्ड क्वेश्चन करूं? सेकंड आ गया? यस मैम। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब हम एक। ठीक है, पहले समझा देती हूँ। यहाँ पे बेटा फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स है 2 न्यूटन, सेंटर में ओ पॉइंट बना है और यहाँ पे है बेटा ए। ठीक है, फोर्स आपको गिवन है 2 न्यूटन। ठीक हो गया, और क्या क्या मिला आपको बेटा? डायमीटर मिला, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास जो डायमीटर है वो है 2 मीटर। चलो ठीक हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि आपको क्या करना है, सिर्फ ओ तक आपको टॉर्क फाइंड करनी है बेटा, यहाँ तक। ठीक है, ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूँ। ओ तक आपको टॉर्क फाइंड करनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक। तो एक बात बताओ बेटा कि अगर आपके पास
यहां से बी से लेके ए तक की जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, तो मुझे बताओ यहां से यहां कितनी हो जाएगी? 1 मीटर. ठीक है, तो हमें मिल चुकी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी 1 मीटर. इतना सही है. तो टॉर्क फाइंड आउट कर लेते हैं. टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स बताओ कितना है? 2 न्यूटन. 2 न्यूटन. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर. ठीक हो गया. दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आ रहा है? 2 न्यूटन. अब मुझे ये बताओ बेटा, क्योंकि फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो डायरेक्शन ये बन रही है बेटा नीचे की तरफ, तो ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज? ऐसे आ रहा है क्लॉकवाइज. तो हम लिख देते हैं यहाँ पे क्लॉकवाइज. ठीक है, या क्लॉकवाइज का साइन क्या होता है? माइनस नेगेटिव. मैंने आपको बताया एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये टी याद रखना, प्लस का साइन इसमें आएगा, इसमें आएगा नेगेटिव 2 न्यूटन मीटर. किस किस को ये समझ में आ गया? मैम आ गया समझ. यस मैम. वेरी गुड. अब सेकंड बोल रहा है बेटा, सेकंड में यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ, फर्स्ट आपका यहाँ पे हो गया है. सेकंड में कह रहा है वो आपको टॉर्क फाइंड आउट करनी है बेटा पॉइंट ए तक, यानी कि यहाँ तक करनी है. तो अब ये बताओ बी से लेके ए तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 2 मीटर. फिर से अगेन वही, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स बताओ जल्दी से कितना लग रहा है? 2 न्यूटन. 2 न्यूटन. 2 न्यूटन. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर. 2 मीटर. कितना आंसर आ गया? 4 न्यूटन मीटर. वेरी गुड. क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज. देखो इस तरफ टर्न हो, क्लॉकवाइज. ये क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो ऐसे भी लिख लो, -4 न्यूटन मीटर. अब ठीक है मैम. यस यस मैम. मैम आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल करवा रही है फर्स्ट चैप्टर के? हाँ विराज. ओके फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं बेटा हम. फोर्थ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा नोट करते रहना. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, आपको एक रॉड दी है, यहाँ पे बना देती हूँ, ये है रॉड. ठीक है, यहाँ पे F1 फोर्स है 5 न्यूटन, यहाँ है F2 फोर्स 3 न्यूटन, यहाँ पे आपका बेटा पिवटेड पॉइंट है O, यहाँ A लिखा है, यहाँ B लिखा है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, और यहाँ से यहाँ है 4 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस हमारे पास 6 मीटर है बेटा. इतना समझ में आ गया? यस मैम. ओके तो इतना तो हमें सब कुछ गिवन है बेटा. ए से ओ तक की डिस्टेंस है हमारे पास 2 मीटर, ओ से बी तक की जो डिस्टेंस है वो है 4 मीटर. हमारे पास लेंथ हमें मिली है, फोर्स एफ वन हमें गिवन है 5 न्यूटन, एंड एफ टू है हमारे पास 3 न्यूटन. सब कुछ गिवन है तो निकालना क्या है. तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा वो आपको टॉर्क फाइंड आउट करना है. ठीक है, अबाउट ओ. चलो ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स कितना है जल्दी बताओ. पहले हम निकाल रहे बेटा 5 न्यूटन. 5 न्यूटन. वेरी गुड. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? अबाउट ओ बोल रहा है बेटा. 2 मीटर. यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 2 मीटर. कितना हो गया? 10 न्यूटन मीटर. अब मुझे डायरेक्शन बता दो बेटा, क्योंकि फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज. वेरी गुड. ये हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज का साइन क्या होता है? पॉजिटिव. 10 न्यूटन मीटर. ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस मैम. अब बेटा वो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है F2 पे निकालना है. अब हमारे पास सेकंड में यहाँ पे लिख देती हूँ F2, और अबाउट ओ ही बोल रहा है तो हम ले लेते हैं F2 कितना है हमारे पास. देखो ये हम 3 न्यूटन. ओके इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? 4 मीटर. और यहाँ तक 4 मीटर.
जिसको समझ में नहीं आ रहा वो देख लो, यहाँ पे ओ पे बोल रहा है बेटा, तो ओ से आपको बी तक जाना है, 4 मीटर बोल रहा है, तो मैंने 4 मीटर लिख दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 4 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो कितना हो रहा है, 12 न्यूटन मीटर। मुझे डायरेक्शन बताओ। नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज। नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज। नो, एंटी क्लॉकवाइज नहीं बेटा, क्लॉकवाइज। मैम क्लॉकवाइज जी है मैम। 12 न्यूटन मीटर। ठीक है, आ गया सेकंड क्वेश्चन। यस मैम। यस मैम। ओके, अब कह रहा है बेटा थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बेटा, लाइट गई, थर्ड क्वेश्चन, एक सेकेंड। हाँ यस मैम। थर्ड क्वेश्चन में आपको टोटल मोमेंट ऑफ टू फोर्स अबाउट ओ, अब आपको बेटा टोटल टॉर्क निकालना है, टोटल टॉर्क। चलो बताओ कितना होगा, क्या करेंगे हम दोनों का जो आंसर है उन दोनों को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। पहले का कितना आया था, प्लस 10 न्यूटन मीटर, और सेकंड का माइनस 12 न्यूटन मीटर। माइनस 2 न्यूटन मीटर। ठीक, दोनों को ऐड कर दी। हाँ, न्यूटन मीटर नेगेटिव है, माइनस 12 की जगह मैम पॉजिटिव आएगा, आपने उल्टा लिख दिया। मैंने उल्टा नहीं लिखा, क्या सही लिखा है, सही लिख रही हूं। ये कौन सी है बेटा डायरेक्शन, देखो। ओ यस मैम, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। ओके मैम। ओके, समझ आ गया जी मैम। ठीक है, तो यहाँ पे चिरायू ने तो मुझे कंफ्यूज ही कर दिया था अभी। ठीक है, तो बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस का साइन आएगा। चिरायू ने समझ में नहीं आ रहा तो बेटा ये देखो एंटी, ये मैंने बहुत अच्छी ट्रिक से बताया, एंटी में टी जो आपको दिख रहा है प्लस का साइन है, तो एंटी हमेशा प्लस का साइन होगा। बचता है क्लॉक तो नेगेटिव, दोनों को ऐड कर दो, 10 न्यूटन मीटर प्लस माइनस माइनस 12 न्यूटन मीटर, दोनों को माइनस करो कितना आ रहा है, माइनस 2 न्यूटन मीटर या 2 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। क्लियर? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, फिफ्थ क्वेश्चन है, टू फोर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10। ओके, अगेन फिर से हम इसको पहले ड्रॉ कर देते हैं। इधर है बेटा 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये हो गया बी, यहाँ पे हो गया ए, ओ, ये पूरी जो डिस्टेंस है वो है 4 मीटर। ठीक है, हमें करना क्या है बेटा, हमें पता है कि आपको अगर यहाँ पे दिख रहा है तो जो 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और डिफरेंट लाइन में है, तो ये क्या है, क्या प्रोड्यूस होगा, कपल। बताया तो यस मैम, कपल। बेटा शॉर्टकट कपल का फॉर्मूला है वो निकाल लेते हैं, क्या होता है कपल इज इक्वल टू फोर्स इनटू कपल। अब आपको फोर्स बेटा यहाँ पे कोई सी भी ले लेनी है, या तो ए पे ले लो या तो बी वाली ले लो, तो मैं कोई सी भी ले लेती हूँ, दोनों 10 ही है। ठीक है, तो 10 न्यूटन ये जो डिस्टेंस है बेटा आपको पूरी लेनी पड़ेगी, कपल में आपको डिस्टेंस पूरी लेनी पड़ती है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ, कपल में डिस्टेंस पूरी लेनी है, तो कितनी है डिस्टेंस, 4 मीटर। 4 मीटर, तो ये हो जाएगा 10 4 कितना हो जाएगा, 40 न्यूटन मीटर। अब ये बताओ बेटा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कैसे हो जाएगा, देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये ऐसे टर्न हो रहा है, ऐसे सीधा टर्न हो रहा है, इसका मतलब क्लॉकवाइज, अगर उल्टा होता तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है, वेरी गुड मैम। इसमें मिड पॉइंट ओ भी तो दे रखा है मैम, मिड पॉइंट ओ। बेटा आप दोनों टॉक निकाल सकते हो, या तो यहाँ से यहाँ तक टॉक निकाल लो, इधर की भी टॉक निकाल लो, दोनों को ऐड कर लो, तब भी आंसर यही आना है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कपल से निकलवा के दिखा दिया। ओके, एक बार विराज उसको टॉक दोनों फाइंड आउट कर लेना, उसके बाद निकाल के देखो आंसर 40 न्यूटन मीटर ही आ रहा है मैम, 40 आ रहा है। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन करवा रही हूँ अब मैं आपको, 18 है बेटा टोटल क्वेश्चन, हो जाने हैं आज कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पे एक
फिगर दिया है आपको, पहले ड्रॉ कर लेते हैं इसको। बीच में पॉइंट ओ है, इसको कहा है ए। यहाँ पे बेटा फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है और जो ये डिस्टेंस है ये है 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी फोर्स 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन। अच्छा बेटा देखो, ये ऐसा ही यूनिट है, ये नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले चेंज कर देते हैं, है ना। डिस्टेंस को कन्वर्ट करते हैं 50/100, 0 0 कैंसिल, 0 शिफ्ट कर दिया 5 को, जैसे ही 0 खत्म वैसे ही हम पॉइंट लगा देंगे, तो 5.5 मीटर। ये किस किसको समझ में आ गया? यस मैम। हमें गिवन है, डिस्टेंस हमें गिवन है, अब हमें निकालना क्या है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट करना है बेटा रिजल्टेड मोमेंट ऑफ टू फोर्स अबाउट द पॉइंट ए बी एंड ओ। ओके, तो सबसे पहले हम निकालते हैं बेटा फर्स्ट ए में अबाउट पॉइंट ए, इसका हम पहले टॉक निकाल लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो टॉक का फॉर्मूला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है ए पे, देखो ए पे फोर्स कितना है, हम 10 न्यूटन। 10 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब मुझे डिस्टेंस बताओ बेटा कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर मैम, 0.5 मीटर। ठीक है, 0.5 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है आंसर, 5 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन बताओ, क्योंकि फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है यानी कि ऐसे लगने वाला है, क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ठीक है, सेकंड ले लेते हैं हम, सेकंड कह रहा है बेटा बी में अबाउट, मैं बार बार वो नहीं लिख रही बेटा अबाउट पॉइंट बी, डायरेक्ट मैं बी लिख देती हूँ। ठीक है, बी में अगेन वही टॉर्क का फॉर्मूला, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स कितना है 10 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगेन वही होने वाली है 0.5 मीटर, कितना आ रहा है हमारा, हमारा आंसर 5 न्यूटन मीटर। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बेटा देखो डायरेक्शन कहाँ है, ऐसे ये ऐसे टर्न हो रहा है, ऐसे क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है, सॉरी क्लॉकवाइज। ठीक है, दोनों तो निकल गया है, अब थर्ड क्या बोल रहा है बेटा अबाउट ओ, ओ पे निकालना है बेटा, हमें हमें दिख रहा है ओ कहाँ पे, ये रहा देखो। अब पहले मैं इन दोनों को इरेज कर दूं, यस मैम, मैम थर्ड कह रहा है अबाउट ओ, तो पहले हम थर्ड वाले का निकाल लेते हैं, हमें पता है बेटा फोर्स कितनी है, डायरेक्ट कपल लगा के कर लो क्योंकि देखो अपोजिट फोर्स है, डायरेक्ट कपल, ओके चलो अपोजिट फोर्स है बेटा, इक्वल फोर्स है तो आपको पता है क्या होता है, कपल फॉर्म होती है, तो हम कपल लिख देते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस। चलो फोर्स कितनी है, कोई सी भी फोर्स ले लो दोनों में से, 10 न्यूटन और डिस्टेंस, डिस्टेंस 0.5 मीटर। ठीक है 0.5 मीटर, कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बेटा, क्लॉकवाइज। ठीक है, मैंने डायरेक्ट बेटा कपल से निकाल दिया है, सबसे इजी है, टाइम बच जाएगा, अदरवाइज आप इसको निकाल लो या दोनों जो स्टार्टिंग के उनको ऐड कर। ठीक है, मिस उसमें अबाउट पॉइंट ए था तो उसमें हम लोगों ने उसकी जो डिस्टेंस है वो ओ ए क्यों नहीं ली, वो पूरी 0.5 मीटर क्यों दी है, ये यहाँ से यहाँ तक बोल रहे हो, यस मिस अबाउट पॉइंट ए बेटा आप ले सकते हो, आप दोनों टॉक निकाल लो ए पे भी, और क्योंकि ओ सेंटर में है ना बेटा, आप यहाँ से यहाँ ले लो हाफ ले लो 0.5 की, और यहाँ से यहाँ हाफ ले लो, दोनों को ऐड कर लो, तभी तो कपल ही निकलने वाला है ना, दोनों टॉक को ऐड कर लो। नहीं उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो कैसे निकल रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही है बेटा, जीरो नहीं हो जाएगी क्या, यस मिस
यहाँ फोर्स लग रहा है वही लाइन है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? यस मैम जीरो होगी। चलो क्लास में डिस्कस करती हूँ मैं। पहले इतना समझ में आ गया? यस मैम आ गया। ठीक है इतना समझ आ गया कि हमने कपल कैसे फाइंड आउट किया थर्ड का? हाँ यस मिस आ गया। मैम एक डाउट है। बोलो मैम। रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट द पॉइंट ए का मैम मींस क्या है? रिजल्टेंट आपको फोर्स निकालना है। टू फोर्स कैलकुलेट द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ टू फोर्स। हमने निकाल तो दिया है, अभी क्या निकाला हमने मैम? क्या मैम इसका मतलब टोटल फोर्स होता है? रिजल्टेंट फोर्स। अच्छा चलो मैं इसको लास्ट में डिस्कस करती हूँ तुम्हें, ठीक है? अभी एक दो क्वेश्चन पहले करवा देती हूँ पूरा, क्योंकि टाइम इसी में वेस्ट हो जाएगा अदरवाइज। सिक्स क्वेश्चन नहीं आया है, नोट कर लो। यस मिस। सेवेंथ क्वेश्चन। अब कह रहा है बेटा एक स्टीयरिंग व्हील है, डायमीटर 0.5 मीटर इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज बाय अप्लाइंग टू फोर्सेस ईच ऑफ। ठीक है देखो बेटा उन्होंने क्या कहा है, एक स्टीयरिंग व्हील है। सिक्स वाला क्वेश्चन नहीं आया उसको नोट कर लो, लास्ट में डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है? ये हो गया आपके पास स्टीयरिंग व्हील, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। जिसका डायमीटर कितना है 0.5 मीटर, क्लियर? अब वो कह रहा है बेटा इसमें आपको ना एंटी क्लॉकवाइज फोर्स अप्लाई करना है, वो भी दो फोर्स अप्लाई करने हैं। तो बताओ एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, इस साइड yes, और एक इस साइड। तो मैं इसको ऐसे कर दूं एंटी क्लॉकवाइज, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये ठीक है? यस मैम। दो फोर्स अप्लाई करने ना, तो मैंने एक नीचे की तरफ अप्लाई कर दिया, एक ऊपर की तरफ कर दिया, दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं। यस ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। ओके अगेन आपको क्या करना है बेटा, हमने एंटी क्लॉकवाइज देख लिया है, हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, ठीक है? अब हमें टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क फाइंड करना है तो टॉर्क फाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टू फोर्स है बेटा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है? क्या होगा, कपल प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा? यस मैम होगा अगर फोर्सेस इक्वल हैं तो। चलो मैं डायरेक्ट कपल से ही निकाल देती हूँ उसको, ठीक है? टाइम बचेगा और जल्दी जल्दी हो जाएगा। फोर्स इंटू डिस्टेंस, चलो फोर्स कितनी है? फोर्स है 5 न्यूटन एन टू। डिस्टेंस कितनी है बेटा? 0.5 मीटर। कपल में हम पूरी लेते हैं तो ये हो जाएगा, जल्दी से मल्टीप्लाई करो, 2.5 न्यूटन मीटर। क्लियर? यस। आंसर भी चेक करते रहना बेटा साथ साथ, 2.5 न्यूटन, ठीक है? नेक्स्ट करो एट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Eighth question है आपका, a uniform meter rule. मैंने आपको बताया बेटा जब भी यूनिफॉर्म मीटर रूल की बात करेंगे तो आपको सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे 0 सेंटीमीटर मार्क कर दोगे और यहाँ पे 100 सेंटीमीटर। इतना समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। ओके मैं ऊपर लिख देती हूँ उसको 0 सेंटीमीटर। कह रहा है बेटा कि एक एंड में आपको 50 GF रखना है ग्राम फोर्स, और दूसरे एंड में आपको रखना है बेटा 100 GF। चलो ठीक है रख दिया, यानी कि ग्राम फोर्स। सबसे पहले हम देख लेते बेटा, डायरेक्शन देख लेते, ये कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और ये कौन सी है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। चलो इतना तो हमें मिल गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 GF, अब वो कह रहा है बेटा इस 100 GF को ऐसे कहाँ रखे कि जो ये रॉड है, क्योंकि बेटा इसमें पिवटेड पॉइंट आपका होगा 50 सेंटीमीटर पे, ठीक है? मैंने 50 सेंटीमीटर का पिवटेड पॉइंट बना दिया है। अब वो कह रहा है कि 100 ग्राम फोर्स को कहाँ पे रखे जो ये रॉड है वो बैलेंस हो जाए या हॉरिजोंटल रहे। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, बैलेंस कैसे रहती है कोई रॉड, जल्दी से बताओ मुझे। मैम जब दोनों साइड का मोमेंट एक रहे, इक्वल रहे, इक्विलिब्रियम, इधर 100 है बेटा और इधर 50 है, ठीक है? तो मैं क्या करूं ऐसा, जो यहाँ पे माना मैंने ये रखा कितना 100 और दूसरी साइड मैंने रख दिया है कोई भी मान लो कितना 50,
ये है मेरे पास सेकंड, ये 50, अभी बैलेंस नहीं है, सोचो ये ज्यादा है इधर, ठीक है। तो मैं इस 100 GF को कहाँ पे रखूँ, आगे की तरफ रखूँ, पीछे की तरफ रखूँ, जो ये मेरा जो यूनिफॉर्म मीटर रूल है ये बैलेंस हो जाए। उसके लिए हमारे पास एक रूल होता है, याद है किसी को, जब एंटी क्लॉकवाइज इक्वल होगा क्लॉकवाइज के, तभी तो ये रॉड बैलेंस होगी। यस मैम, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके लिए भी लिख देते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमेशा याद रखना बेटा, रॉड बैलेंस तभी होगी जब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के इक्वल होगी। ओके, तो यहाँ पे ठीक है, फोर्स कितना है बेटा, 50 GF। ये रहा हमारे पास F1 और ये है हमारे पास F2, 50 GF इनटू 50 सेंटीमीटर। कैसे आया 50 सेंटीमीटर, देखो पिवटेड पॉइंट से ही हमें क्या निकालनी होती है, डिस्टेंस निकालनी होती है। तो जीरो से यहाँ पे आपका वेट, तो जीरो से 50, ये कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो रहा है, चलो मल्टीप्लाई बाद में करते हैं, पहले इसका फोर्स कितना है, चलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए 50 GF इंटू 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई है, तो ये कहाँ चला जाएगा, 100 GF डिवाइड में। ओके, जल्दी से इसको डिवाइड कर लेते, जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, कितना आंसर आया, 55 ग्राम फोर सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितनी आ गई बेटा, 25 सेंटीमीटर कैंसिल कर दो, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। यानी हम इसको कहाँ रखेंगे, 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द अदर एंड, 25 सेंटीमीटर कहाँ रखेंगे, सेंटर से 25 सेंटीमीटर दूर रखेंगे, कहने का मतलब ये, यानी कि यहाँ कहीं पे रखेंगे। समझ आया या नहीं, यस मिस आ गया, यस मैम, वेरी गुड। एक बात ध्यान रखना बेटा हमेशा, क्योंकि हमारे पास एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है, जैसे कि मेरे पास ये हो गया, आप इधर ज्यादा वेट रख रहे हो, इधर कम वेट रख रहे हो, ठीक है ना, यानी अभी अनबैलेंस है बेटा। अगर मुझे बैलेंस करना है तो मुझे इस वाले वेट को जो 100 GF है इसको थोड़ा आगे ले जाना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस हो जाए, ठीक है। अगर दोनों बैलेंस बराबर होंगे तब तो चलो, अगर ये 50 था ये भी 50 था तब तो ये बैलेंस होता, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है बेटा कि एक जगह वेट ज्यादा दिया है तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। इतना क्लियर हो रहा है, यस मिस आगे, ठीक है आगे और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये होता है आपका 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा 9th क्वेश्चन की तरफ, 9th बोल क्या रहा है पहले तो ये देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन है आपका, ओके, एक यूनिफॉर्म मीटर रूल फिर से आपको ले लेना है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन है आपका, जीरो सेंटीमीटर और यहाँ पे ले लेते हैं 100 सेंटीमीटर, फिर हमारे पास पिवटेड पॉइंट होगा कितना, 50 सेंटीमीटर पे। तो वो कह रहा है बेटा, लेकिन जो नाइफ एज है वो 58 सेंटीमीटर में रखा है उन्होंने, कहाँ पे रखा है, तो यहाँ पे हम 58 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये है हमारा 58 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी जो मिड पॉइंट होना चाहिए था वो नहीं है, 58 सेंटीमीटर में उन्होंने नाइफ एज रख दिया है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है मैम, क्या रख दिया 58 सेंटीमीटर पे, मिड पॉइंट रख दिया बेटा, मिड पॉइंट मान लिया उसको अभी। ओके मैम, नाइफ एज होता है ना शार्प जो बीच में होता है उसमें बैलेंस रखते हैं। तो मैम स्केल का पिवटेड पॉइंट 58 सेंटीमीटर हो जाएगा, हाँ अभी तो हमने क्या बोला कि 50 सेंटीमीटर हमारा पिवटेड पॉइंट है, लेकिन उन्होंने स्पेशल लिखा है उसमें कि 58 सेंटीमीटर पे हमारा नाइफ एज है, यानी कि पिवटेड पॉइंट है। इतना समझ में आ गया क्वेश्चन, यस मैम, ओके। वो क्वेश्चन में ये कह रहा है बेटा कि जो 20 ग्राम फोर्स का वेट है उसको हमें एक एंड में रखना है, ठीक है, चलो ठीक है ये भी हम रख देंगे। अब हमें करना क्या होगा बेटा, हम आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास याद करो, उसमें बॉडी का वेट कहाँ होता है बेटा, सेंटर में होता है, बॉडी के सेंटर, है ना, जिस वजह से बॉडी क्या होगी, बैलेंस होगी,
तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, 50 सेंटीमीटर में ही यूनिफॉर्म रूल को हमें बैलेंस करना होगा। अब कैसे, ध्यान से समझना क्या बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कह दिया 58 सेंटीमीटर पे हमारा नाइफ एज है, ठीक है, हमें पता है, वो कह रहा है 20 जीएफ को भी कहीं रखो, तो पिवटेड पॉइंट तो ये हो गया बेटा, तो हमें 20 जीएफ को कहीं इधर रखना होगा, क्योंकि हम इसको क्या मान रहे हैं अभी, क्या मान रहे हैं इसको अभी मैम, इसे फोर्स मान रहे हैं, ठीक है, चलो एक बार हम ट्राई करते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा फिर बताना मुझे, ठीक है। यहाँ पे हमें कहीं 20 जीएफ को रखना होगा बेटा, क्योंकि हमारा पिवटेड पॉइंट तो ये है ना बेटा, बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, 50 सेंटीमीटर है, इसको हमें यूनिफॉर्म रूल को बैलेंस करने के लिए लेना ही पड़ेगा, तो हम पहले देख लेते हैं कैसे बैलेंस होगा ये। अच्छा ये बताओ, ये जो यूनिफॉर्म मीटर रूल है ये बैलेंस कैसे होगा, जब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगेन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स कितना है बेटा, जल्दी से बताओ, ये हमें पता ही नहीं है मैम, एफ ही ले लेते हैं फिर, तो चलो हम एफ ही मान लेते हैं, एफ1 मान लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता दो जरा कितनी है, क्योंकि पिवटेड पॉइंट ये है बेटा, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बताओ, 58 माइनस 50 इक्वल्स टू 8, वेरी गुड, 58 माइनस 50 सेंटीमीटर। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा होगा मैंने ऐसे क्यों किया, चलो सबसे पहले आ रहा होगा ये सौरभ के दिमाग में, सौरभ ये है एक स्केल, ठीक है, बीच में है एक पॉइंट 58 सेंटीमीटर, चलो 50 मान लेते हैं, सौरभ आप यहाँ पे खड़े हो बेटा 10 सेंटीमीटर में, मैंने पूछा 10, ये है 20, ये है 30, ये है 40, सौरभ से मैंने पूछा आप 20 सेंटीमीटर पे खड़े हो तो मुझे बताओ कि पिवटेड पॉइंट्स आप कितने डिस्टेंस पे हो, खुद से देखो सौरभ कितना हो रहा है, 20 से 30, 10, 20 एंड 30, तो 30 सेंटीमीटर दूर हो बेटा आप पिवटेड पॉइंट से, या ये तो मैंने एक एक करके काउंट कर दिया 10, आप डायरेक्ट 50 में से 20 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी बेटा हम वही कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 58 सेंटीमीटर मेरा मिड पॉइंट है, ठीक है, जैसे आप कबड्डी खेलते हो ना, कबड्डी खेलने मिड पॉइंट होता है, माना आप यहाँ पे खड़े हो तो डिस्टेंस बतानी है इतनी, तो ऐसे ही सोचो यहाँ पे ही आपका मिड पॉइंट है और आप इतने डिस्टेंस में खड़े हो 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में, तो बेटा मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगी कि 58 सेंटीमीटर लूंगी, मैं क्या करूंगी 50 पे तो आप आ गए हो ना, तो 50 से 58 को माइनस कर दूंगी, कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। हाँ कुछ पूछना है मैम, बता रहा हूँ मैं तो। ओके, फिर यहीं पे इसकी फोर्स बताओ बेटा, F2 कितना है,